हेलो दोस्तों, दिस इज रम्मी रेडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो ये हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच के ऊपर है, जो हमारे एएचओ में डायरेक्ट हेडलाइट ऑन रहती है उसके ऊपर है कि हमें हेडलाइट ऑफ कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेडलाइट हमें ऑफ नहीं करनी है। ये मैंने एक स्विच जो वीडियो जो बनाई है ये मजबूर होकर बनाई, क्योंकि काफ़ी लोगों की बैटरी डाउन हो रही थी, क्योंकि बुलेट हमारी ऐसी बाइक है, अगर बैटरी डाउन होती तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, किक से भी स्टार्ट नहीं होती, धक्के से किसी भी तरीके से बुलेट हमारी स्टार्ट नहीं होती है। तो यही एक रीज़न है मुझे इस वीडियो को बनाने का। और दूसरा एक और रीज़न है छोटा सा, दूसरा कि लोगों ने एचओ बंद करने के लिए ऐसी ऐसी वायर टेक्निक बताई हैं यूट्यूब पे, कि मतलब कई लोगों ने तो अपनी वायरिंग की ऐसी मार ली है। साफ बताऊँ आपको, वायरिंग की ऐसी मार दी कि वायर यहाँ से काटो वहाँ से काटो। बट एक जब मैंने ढूंढा, एक बंदे ने ये सॉकेट बनाया, एक वो वीडियो आप देखें, सॉकेट बनाए बिना कोई वायर कट करे लगाना है सॉकेट। तो बिना देरी करे आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, और लास्ट में दो तीन इंपॉर्टेंट बात है, वो चीज़ ज़रूर सुनिएगा। और तो देखिए, ये है वो स्विच जो सॉकेट बनाया है। अगर आपको चाहिए, जैसे मैंने बताया कि मैं आपको यहाँ से कुरियर करवा दूँगा, और इसके लिए मैं ये BS3 का स्विच यूज़ करूँगा जो हमारी पुरानी बुलेट का है, क्योंकि जो हमारा पुराना BS4 में इसके अंदर आता नहीं है ये, तो इसको हम सेव रख लेंगे, इसको टूल बॉक्स में डाल देंगे ताकि इनके आगे कोई ज़रूरत पड़े। और प्लस ये स्विच लगा लें, तो पहले स्विच को उसको यहाँ लगा लेते हैं। तो इसकी मैंने ये तार हटा रखी है स्विच की, हमारे लेफ्ट साइड स्विच की। ये अभी मैंने वायर लगाई है, जो स्विच लगाया है ये वायरिंग में सारी है। तो हाँ, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, पहले मैंने रेड वाला लगाया, रेड वाला ये वायरिंग में ही लगेगा जाके, रेड में ये आ गया। अब इसके साथ वाला बाकी जो मैं ये इसमें आ गया कुछ कस। ये वाला इसमें तो ये जो लास्ट वाला सॉकेट है हमारा इसमें लग जाएगा, बस बिना कोई वायर कट करे। अब बस यहाँ पे ये सेट करनी है और हेडलाइट लगानी है। तो अभी तक कोई वायरिंग कट नहीं करी है, जिससे हमारी वारंटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और एक चीज़ और, आप अभी वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, लास्ट में कुछ बताना है आपको भाई। तो अभी ये हो चुका है भाई, मैंने पार्किंग ऑन ही रखी है इसकी, इससे कोई मतलब नहीं है। और हेडलाइट जलानी है तो अगर ऑफ करनी है तो यहाँ से ऑफ, तो इसमें स्विच लगता है, देख सकते हैं बिना कोई वायरिंग काटे। तो दोस्तों, देखा आपने कि ये कैसे फिट करना है, ये कौन सा कैसे किस तरीके से बिना वायरिंग कट करे हुआ है। एक चीज सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर पार्किंग लाइट बैक लाइट मैंने ऑफ नहीं कर रही है। वैसे अगर ये सॉकेट दो ऑप्शन में, एक है ऑप्शन ये कि आप हेडलाइट पार्किंग लाइट भी ऑफ करें, बट वो कामयाब नहीं है। रीज़न ये, बाई चांस अगर आपका हेडलाइट ऑफ ऑन करनी भूल गए, तो उसमें हेडलाइट में छोटा वाला एक पार्किंग बल्ब है, और ऊपर के जो पायलट लैंप बल्ब हैं, टाइगर लाइट और बैकलाइट ऑन रहेगी। इसकी वजह से ये कि आपके चलान नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट को लगेगा कि लाइट जल रही है, और वैसे भी आपको हेडलाइट ऑन रखनी दिन में। ये बस इसी वजह से लगाया कि आपको स्टार्ट बैटरी डाउन ना हो। तो दोस्तों, अगर आप ये सॉकेट लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। कुछ इन जिन्होंने सॉकेट बनाया, इन्हीं का एक उन्होंने बोला है कि मेरा ऐसे सोशल नेटवर्क पे नंबर मत डालो, इसलिए मैं लिंक ऑन इनका नंबर में व्हाट्सएप वो मतलब मेंशन कर देता, बट इन्होंने इनकी परमिशन ली थी। तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको इनका नंबर रेफर कर दूंगा जहाँ से सॉकेट है। और मैंने टेस्ट किया, काफ़ी बाइकों में लगाया, बहुत अच्छा सॉकेट है, वायर्स काफ़ी अच्छी हैं, तो आप बिंदास होकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो ये आपके पास कुरियर कर देंगे, बेफिक्र रहिए। तो दोस्तों, बताइए मुझे वीडियो कैसी लगी, और बहुत ही जल्दी मेरी नई वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। बहुत जल्दी मेरी नई वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत अमेजिंग वीडियो आ रही हैं। तो दोस्तों, इंतजार करिए मेरे नए वीडियोस का, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। जब तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।